हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आई डिजिटल क्लासरूम आप सभी का स्वागत है इस ब्रिज कोर्स में और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट के बारे में मूल कॉन्सेप्ट नाम सुनते ही कुछ याद आ रहा है क्या हमने ये चैप्टर थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कहीं पढ़ा हुआ है इंट्रोडक्शन कहाँ पढ़ा हुआ है हम लोगों ने इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास नाइन्थ और क्लास टेंथ के बीच में हमने एक चैप्टर पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर हमने एक टर्म सुना था व्हाट इज बोल तो वही वाला कॉन्सेप्ट हम आपकी नाइन्थ और टेंथ को क्लास इलेवेंथ के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे जो कि इस ब्रिज कोर्स का एक मोटो है जो हम चाहते हैं कि आप नाइन्थ और 10th की चीजों को अच्छे से रिवाइज करें और उसको 11th में लेके हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी डिजिटल क्लासरूम जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज से हमारे पास ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो रहा है और मैं नितिन कंसल आपके पास लेकर आया हूं आए फिजिक्स ब्रिज कोर्स जिसके अंदर मैं फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा ताकि आपकी हेल्प हो सके आपकी ट्रांजिशन फ्रॉम नाइन टेंथ से इलेवेंथ ट्वेल्थ में स्मूथली हो प्रेजेंट यू दैट इज दिजिक्स लेक्चर बाय ऑब्जर्वेशन फ्रेंड्स अभी तक तो क्या होता है हमने फिजिक्स सबने पढ़ी है और फिजिक्स जनरली जो पढ़ी है वहाँ पर एक रीडिंग करते थे चैप्टर की वहाँ रीडिंग से कुछ चीज़ों को समझते थे मैथमेटिकली और फाइनली चैप्टर्स के पीछे कुछ क्वेश्चंस करते थे ऐसा ही कुछ होता था अब इन चीज़ों से कुछ हटकर हम चीज़ें करेंगे क्योंकि अब जो एम है अपना वो एम कोई स्पेशल स्कूल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करना है हमें एम है कि प्रिपरेशन करनी है खुद के लिए खुद के लिए इसलिए क्योंकि हमारा टारगेट इज नीट एमबीबीएस में अगर क्लियर करना है उससे पहले मेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्चल नॉलेज होनी चाहिए और ब्रिज कोर्स उसी चीज को आपके लिए लेकर आया है सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विथ टूडे चैप्टर